नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रामराज थाना क्षेत्र के मेरठ पोड़ी राजमार्ग पर गन्नों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और वैन की भिड़ंत हो गई, जिसमें वैन चालक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया। रामराज निवासी सुभाष सिंह शनिवार की देर शाम अपनी मारुति वैन से मीरापुर से खरीदारी कर वापस रामराज लौट रहा था। जैसे ही वह मेरठ पोड़ी राजमार्ग पर स्थित अलूना फार्म हाउस के निकट पहुंचा, तभी विपरीत दिशा रामराज की ओर से आ रही एक गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक ने इसकी वैन में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई तथा चालक सुभाष गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक सुभाष को गाड़ी काट कर बाहर निकाला तथा उपचार के लिए जानसर जिला चिकित्सालय भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने सुभाष को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं मृतक सुभाष की पुत्री अनु सिरोही ने आरोपी ट्रैक्टर चालक मेरठ जनपद के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम नगली कजोली निवासी जोगेंद्र पुत्र रमेश चंद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों की बैठक का आयोजन किया, जिसमें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। जनपद मुजफ्फरनगर में सोमवार को जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे द्वारा जिला पंचायत के चौधरी चरण सिंह सभागार में जनपद भर के प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधक संचालक एवं प्रधानाचार्य के साथ एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें जिले के सीबीएसई आईएसईसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त और संबंधित वाले विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को बुलाया गया था। बता दें कि जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने प्राइवेट स्कूलों की कथित मनमानी और आए दिन फीस वृद्धि को लेकर मिल रही शिकायतों के निस्तारण के लिए सीडीओ की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी के माध्यम से इन स्कूलों को नोटिस भेजकर चार बिंदुओं, शुल्क वृद्धि, यूनिफॉर्म में बदलाव, पाठ्यक्रम में बदलाव और परिवहन व्यवस्था को लेकर जवाब मांगा गया था। आज मीटिंग में काफी संख्या में आए स्कूलों की ओर से चार बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट कमेटी को सौंपी गई है। बैठक में सीडीओ अर्चना वर्मा ने कहा कि जो समस्याएं सामने आई हैं, उनके निस्तारण को लेकर जिला स्तर पर एक अभिभावक फोरम का गठन किया जाएगा और जल्द ही अभिभावकों के साथ मीटिंग भी की जाएगी। ये देखिए, आए दिन समाचार पत्रों में भी और पेरेंट्स का डेलीगेशन भी यहाँ करके मिलता था और वो जो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके कुछ शिकायतें उनकी थी कि वहाँ पर फीस ज़्यादा ली जाती है, बच्चों के एड्रेस बदल दिए जाते हैं, किताबों का मूल्य बहुत ज़्यादा रखा जाता है, जो वाहनों की व्यवस्था रखी गई है वो बहुत ज़्यादा है आदि आदि। तो ये एक गंभीर समस्या थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। एक हमने कमेटी भी बनाई थी जिसमें सीबीओ की अध्यक्ष थी और सारे पब्लिक स्कूल के लोगों के हाथ बुलाया गया था और उनको बहुत क्लियर उनको मैसेज ये दिया गया है कि समस्या क्योंकि है और अभिभावक क्योंकि यहाँ पर भी बातें रख रहे हैं और इसके अलावा इसको लेकर के सरकार ने कानून भी पास किया है, इसलिए उस समस्या का समाधान करना हम सबका दायित्व बनता है। जो कानून बना हुआ है उसका पालन उन्हें आपको स्वयं करना चाहिए। अगर पालन करने में आप विफल रहेंगे तो हमारा दायित्व बनता है कि उस कानून का हम पालन कराएं और उस पालन कराने के लिए हमें जो भी सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी हम करेंगे। सर, स्कूल प्रबंधकों को कुछ कहना था कि जो हमारे टीचर हो एनसीईआरटी की बुकें नहीं पढ़ा सकते छात्रों को? नहीं, एनसीईआरटी की बुक्स अगर नहीं पढ़ा सकते तो जो भी उसके स्टैंडर्ड बुक हो उसके साथ की जो एट पार उसके जो विषय हो उसको समझाइए। उद्देश्य यह है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बच्चे को ज्ञान मिलना चाहिए, ज्ञान उसको जहाँ से सुलभ हो रहा हो, जहाँ आसानी से मिल सकता है वो ज्ञान उपलब्ध कराए उसके लिए। सर, इसके बाद भी स्कूल प्रबंधन नहीं सुधरते तो फिर किस तरीके का? नहीं, हमको हमें पूरा विश्वास है कि स्कूल प्रबंधन ने को हमने बड़ा क्लियर संदेश दिया है। उसके बाद अगर कोई सुधार नहीं होता है तो फिर वो एक्ट है, कानून है, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, जो ये पब्लिकेशन सुनते हैं वो बहुत महंगे पब्लिकेशन है अकॉर्डिंग टू एनसीआर, तो उसका कहीं ना कहीं जो है फाइनेंशियल लॉस जो है। ये हमने उनको कहा है, आप लोग थे वहाँ पे, हमने उनके बीच में ये बात कही है कि आप विकल्प अगर चुन रहे हैं तो जो विकल्प आप चुन रहे हो उसमें कमर्शियल एंगल नहीं होना चाहिए, उसमें जो गुणवत्ता है, जो मेरिट है उस पर आप ध्यान दीजिए। ये नहीं है कि आप जो है एक कंटेंट से जुड़ी हुई बुक 50 रुपए की है और दूसरी आप 250 500 में बेच रहे हो, ये भी अपने उनको रखा है कि आप उसको एट पार रखिए। मुजफ्फरनगर के NH-58 हाईवे पर अनियंत्रित रोडवेज बस ने इनोवा कार में टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
दरअसल मामला मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली क्षेत्र के NH-58 हाईवे का है, जहां रविवार को अम्बाला से एक ही परिवार के लगभग 10 लोग एक इनोवा कार में सवार होकर जनपद मेरठ की सकोती में नगली तीर्थ धाम में अपने गुरुजी से मिलने जा रहे थे। जब इनोवा कार सवार NH-58 हाईवे पर खतौली क्षेत्र में पहुंचे तो सामने से तेज गति से आ रही अनियंत्रित रोडवेज बस ने कार में टक्कर मार दी। घटना को अंजाम देकर बस चालक रोडवेज बस को लेकर मौके से फरार हो गया। इस भीषण हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार सभी लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। कार में महिलाओं, बच्चों और पुरुषों सहित 10 लोग सवार थे। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हमें तो फोन गया था नगली में, हम तो लंगर का टाइम हुआ था ना, तो भी ऐसे ऐसे भगत नगली साहब आ रहा है या तो फलाने रोड पे बस वाले ने टक्कर मार दी। बस फिर हम तो जहाँ पहुँच गए, बाकी पता कुछ नहीं कैसे। ये पंजाब से आ रहे थे ना, नगली साहब जा रहे थे नकोदर से, कुछ बेच अम्बाले में। इतने हूँ गिनती नहीं है महाराज, हमें तो आपको बताया ना फोन गया, 7-8 लोग। हमें तो फोन गया था कैसे ऐसे दरबार साहब आ रहे थे भगत, उनका एक्सीडेंट घटना। हम अम्बाला आए थे, वैसे हम नकोदर में रहते हैं, अम्बाला से हमने प्रोग्राम बनाया, अभी यहाँ पर नगली नाथ धाम है हमारा गुरुजी का, तो वहाँ पर चलेंगे। सुबह हम तकरीबन इनोवा कार से, उनके फ्रेंड की कार थी, उनको साथ लेकर हम आ गए यहाँ पर नगली दरबार के लिए चल पड़े। तो ये जो हाईवे है यहाँ पर खतौली, जो खतौली का है शायद अंडर ब्रिज, मुझे तो पता नहीं, उससे हम रोड नीचे से ऊपर आए और जैसे दूसरी तरफ जाने लगे, हमारी बैक पर बस हमें दिख रही थी। बस वाले ने बहुत लापरवाही से, मतलब कि कुछ ब्रेक नहीं लगाया, कुछ नहीं कराया, हमारी गाड़ी तकरीबन क्रॉस हो गई थी, वो फिर भी हमारे पास आकर रोड से हमारी गाड़ी इतनी रह गई बाहर, सिर्फ एक फुट होगी शायद, तो बिल्कुल पास ला के जैसे उसने कट मारने की कोशिश की, जैसे स्टाइल मारते ना भी ऐसे घुमा के ले जाएंगे, तो उसकी जो अगला कॉर्नर था हमारी पिछले कॉर्नर से टकरा गया और ऐसे हमारी गाड़ी सारी घूम गई और एक दो सेकंड में पता नहीं चला हम कहां से कहां पहुंच गए। घायल तो हम सारे थे, मुझे थोड़ा कम, मुझे तो थोड़ी खरोच खरोच आई थी, बाकी संभालते संभालते उस वक्त कुछ नहीं पता चला कौन घायल है कौन नहीं। यहाँ पर अब तो सबके ही कुछ ना कुछ चोट लगी हुई थी, और एक हमारा भांजा था वो उसको नहीं बचा पाए जी, और बाकी ठीक है चल रहा है। हम गाड़ी में मेरी फैमिली के 3 लोग और मेरे सिस्टर के 4 और एक सिस्टर के 2, 9 लोग हम थे और एक उनका जो दोस्त ड्राइवर, मतलब उनका ड्राइवर बोल लेते हैं, जब गाड़ी उसी की थी वो बोल रहे उसकी ले जाते हैं उसको साथ में, भाई अपनी गाड़ी हमने वहाँ खड़ी कर दी और उसकी लेकर चले गए, गाड़ी हमारी छोटी थी तो उसकी गाड़ी में आ गए हम सारे, हम भाई बहन ही तो हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल स्थित CHC वैद्यनगर में फैल रही गंदगी से बीमारियों का विरोध करते हुए भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित CHC चरथावल में कस्बे में फैल रही महामारी की शिकायत करने गए भाकियू कार्यकर्ताओं को CHC चरथावल में डॉक्टर न मिलने पर भड़क गए और मौके पर ही धरना देना शुरू कर दिया। भाकियू कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी सहित BDO व CHC प्रभारी को घंटों धूप में बैठाए रखा। उसके बाद भाकियू के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कड़ी धूप में अधिकारियों को नगर में पड़ी गंदगी व नालियों को दिखाया। दरअसल चरथावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चरथावल में फैल रही महामारी पीलिया जैसी बीमारी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भारतीय किसान यूनियन के नेता विकास शर्मा एवं अभिषेक बंसल के नेतृत्व में प्रभारी डॉक्टर के न मिलने पर वहीं पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे नगर पालिका से EO, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी BDO व थाना चरथावल के कोतवाल धरने पर बैठा लिया, कोतवाल को धरने पर बैठा लिया और कई घंटे धूप में बैठाए रखा। इसके बाद भाकियू कार्यकर्ताओं ने कड़ी धूप में अधिकारियों को नगर में पड़ी गंदगी व नालियों को दिखाया तथा मौके पर चरथावल में नालों में तुरंत सफाई कराई। बता दें कि चरथावल में PDA को लेकर कैंप लगवाए जाएंगे जो कि 1 हफ्ते तक लगातार चलेंगे। ये जो चरथावल में महामारी फैल रही पीलिए की, उसे लेकर यहाँ स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर है उनसे मिलने आए थे, लेकिन वे मौके में मिले नहीं।
कुछ कार्यकर्ता थे यहाँ पे हमारे, जो हम उन्हीं के साथ में ही बैठ गए। बाद में यहाँ पे BDO साहब, डॉक्टर साहब और कोतवाल साहब आए। पूरे ही कस्बे में गंदगी चरम पे है, सारे जितने नाले हैं, नालियां हैं, सब अटे पटे हैं कूड़े में। और जो हमारे डॉक्टर हैं यहाँ समय से तो आते नहीं है, 2 बजे आवे, 2 बजे से पहले आते हैं, 2 बजे तो जाए, 3 बजे वापिस हो जाए यहाँ से। और ना ही ये पूरे कस्बे में कहीं भी कैंप कर रहे, जो पीलिए से यहाँ जिनकी मृत्यु है, करीब 12 आदमियों की मृत्यु होली, उनके घर पर भी जाकर उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके परिवार वालों को, दूसरों को पीलिए के लक्षण है या नहीं है। उस सब मुद्दे को लेकर यहाँ पर आज बात हुई, और यहाँ के जो ये अधिकारी थे इन्हें साथ ले गए, मौके पर ले जाकर मशीन ने चलवाई, और यहाँ पर जो नाले अटे हुए थे उनकी सफाई करवाई और कैंप लगवाए। तो किन किन अधिकारियों को बुलवाया? यहाँ पे BDO थे और हमारे डॉक्टर जो इसके प्रभारी के डॉक्टर, यहाँ के स्वास्थ्य के प्रभारी है डॉक्टर, वे थे, और हमारे कोतवाल साहब थे, और EO साहब थे, नगर पालिका के EO साहब थे, वे मौके पर थे यहाँ पे। तो सारा मामला उन्हीं किस्म हुआ। तो क्या पानी की समस्या जस की पानी बनी हुई है? जस की तस बनी है, पानी यहाँ इतना गंदा है पूरा ही कि इसे आम आदमी पानी पी नहीं सकता। जितने नलके यहाँ पे सब खराब हो गए, उनका सब बोरिंग, उनका पानी सब गंदा हो रहा, खराब हो रहा, पीने लायक है नहीं। तो उसकी सफाई के लिए शासन से क्या मांगे? शासन से मांग की कि इनके पानी चाक किया जाए, जो नलकों पे उन पे लिख दिया जाए कि इसका पानी खराब है, और दोबारा उनका बोरिंग कराया जाए, और इनके नलों की सफाई की जाए, और पूरे कस्बे में जो मच्छरों की दवाई है, और गाँव में भी देहात में वो मच्छरों की दवाई भी छिड़ दी जाए, जिससे महामारी या किसी तरह रुक जाए। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के गांव पुट्टी इब्राहिमपुर के निकट बुलेट बाइक और कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव बलीपुरा निवासी सनी कश्यप पुत्र गोपाल कश्यप रविवार को अपने मामा के लड़के जीवन पुत्र सतीश एवं शोएब निवासी पुट्टी के साथ अपनी बुलेट बाइक से सवार होकर हस्तिनापुर क्षेत्र के गांव आदलपुर में आयोजित एक शादी समारोह में गए थे। देर शाम वापस मीरापुर लौट रहे थे, जैसे ही यह तीनों ग्राम पुट्टी इब्राहिमपुर के निकट पहुंचे, इसी दौरान सनी ने लघु शंका करने के लिए बाइक रोक दी। इस दौरान तीनों युवक खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी मीरापुर की ओर से तेज गति से जा रही एक कार ने उनको सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही तीनों युवक सड़क पर जा गिरे तथा गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे तथा इसकी सूचना एम्बुलेंस एवं पुलिस को दी। इसी दौरान राजमार्ग से गुजर रही मेरठ के जगदम्बा अस्पताल की एम्बुलेंस ने गंभीर रूप से घायल जीवन व बंटी को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मौके पर पहुंची रामराज पुलिस ने घायल युवक सनी को जानसर चिकित्सालय ले गई, जहां पर चिकित्सकों ने सनी को मृत घोषित कर दिया। युवक सनी की मौत का समाचार गांव में पहुंचते ही शॉक की लहर दौड़ गई तथा मृतक के घर पर लोगों का तांता लग गया। वहीं दुर्घटना के बाद आरोपी कार चालक कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया। कार की तलाशी लेने पर पुलिस को कार से शराब व बियर की बोतलें मिली है। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा रामराज के खादर क्षेत्र में विद्युत तार से निकली चिंगारी के कारण किसानों की 150 बीघा गेहूं व 20 बीघा ईख की फसल जलकर नष्ट हो गई। रामराज निवासी किसान अरविंद सिंह चीमा का खादर क्षेत्र के ग्राम शाहपुर के जंगल में कृषि फार्म है। वहीं बराबर में रामराज निवासीगण जोगिंदर सिंह व सुखविंदर का भी कृषि फार्म है। शनिवार की दोपहर में खेतों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन में हवा के साथ हुई स्पार्किंग से निकली चिंगारी से अरविंद सिंह चीमा के गेहूं के खेत में आग लग गई। जब तक किसानों को मामले की जानकारी हुई, तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग अरविंद सिंह चीमा के खेत में आगे बढ़ते हुए किसान जोगिंदर सिंह व सुखविंदर के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में पहुंच गई। साथ ही यहां तीनों किसानों की करीब 160 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। वहीं आग की सूचना से दर्जनों किसान मौके पर आ गए तथा किसानों ने मामले की जानकारी फोन से फायर ब्रिगेड व डायल 100 को दी तथा पानी व मिट्टी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया, किंतु तेज हवा व पकी हुई फसल होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका तथा आग विकराल रूप धारण कर आगे बढ़ते हुए ग्राम रहेड़वा निवासीगण किसान राजपाल पुत्र गरीबा, परवीश पुत्र भोपाल, रघुवीर पुत्र रामदयाल के खेतों तक पहुंच गई। इन किसानों की भी करीब 20 बीघा ईख की फसल जलकर नष्ट हो गई, जिस पर किसानों में हड़कंप मच गया और सैकड़ों ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और आग से अन्य किसानों की फसलों को बचाने के लिए आनन फानन में अपने ट्रैक्टर हैरो से खेतों में जुताई शुरू कर दी तथा आग पर पानी व मिट्टी डालकर घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके अलावा आरोप है कि सूचना पर डायल 100 व रामराज पुलिस तो तत्काल मौके पर आ गई, किंतु फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी मौके पर
पर नहीं पहुंची, जिससे आग पर जल्द काबू नहीं पाया जा सका तथा किसानों को गेहूं व गन्ने की जली फसल से करीब 15 लाख रुपए की क्षति हुई है। पीड़ित किसानों ने जिलाधिकारी से मुआवजे की मांग की है। यहाँ बस आग लगी, इसमें गेहूं में 30 एकड़ हो गया। आग का कारण नहीं लग पाया। जनपद बागपत के मवीकला में यमुना नहर पार करते समय मां बेटी डूब गई, जहां सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश की। दरअसल मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के मवीकला स्थित यमुना नदी खादर का है, जहां आज सुबह काठा निवासी एक किसान परिवार खेती करने के लिए यमुना नदी पार कर रहा था। जैसे ही भैंसा बोगी यमुना नदी के बीच पहुंची, अचानक अधिक पानी होने के कारण बोगी यमुना नदी में डूब गई। पिता पुत्र ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन माँ एवं पुत्री दोनों यमुना नदी में डूब गए तथा भैंसे की मौके पर मौत हो गई। आनन फानन में मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम आलाधिकारी पहुंचे, घटनास्थल पर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। सूचना पर गोताखोरों की टीम द्वारा माँ बेटी के शवों को तलाशने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन देर शाम तक शव नहीं मिल सके। यमुना नदी के लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में गोताखोरों ने तलाशी की, वहीं नदी में डूबने से गांव में शोक की लहर है तथा परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन की ओर से देर शाम तक तलाश की गई। पानी आ रहा था, मैदान मेरा पापा था, मेरी मम्मी थी, मेरी बहन थी, तो अच्छा कौन कौन? मेरा पापा और मैं। ये सुबह के टाइम लगभग 6:15-6:30 के बीच का हादसा है, और ये काठा के निवासी है। इनकी कुछ ज़मीन जमुना के उस पार है, वहाँ जा रहे थे खेती के लिए, जिसमें जो है दो महिलाएं और दो जेंट्स सवार थे, भैंसा बुग्गी थी, पार कर रहे थे। पानी के बहाव में बह करके आगे कोई भावर जैसा पानी घूम रहा है, वहाँ नाव बैठ गई, ये बुग्गी बैठ गई, जिसमें जो है दो सारे के सारे डूब गए। और गाँव वालों ने देखा तो वहाँ आकर के दो लोगों को बचा लिया गया है, बाकी दो लोग अभी नहीं मिले हैं, जिनके सुबह ही हमारी टीम, जैसे ही सूचना मिलती है हमारी टीम वहां पहुंच जाती है और गोताखोर लेकर के सुबह से ही उनकी तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जनपद शामली के कैराना में श्री बालाजी जन्मोत्सव के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां नगर के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। कैराना नगर में बालाजी जन्मोत्सव के अवसर पर हर वर्ष की भांति भव्य भगवान बालाजी महाराज की भव्य शोभा यात्रा नगर के सिद्धिपीठ बाबा बनखंडी मंदिर से आरंभ की गई। शोभा यात्रा के दौरान बालाजी महाराज की बग्घी को फूल मालाओं व गुब्बारों से सजाया गया। शोभा यात्रा बाबा बनखंडी मंदिर से प्रारंभ होकर बेगमपुरा चौक बाजार, जोड़वा कुआं, पुराना बाजार, जामा मस्जिद, पटोवाला गुंबद, शामली बस स्टैंड, टीचर्स कॉलोनी से होती हुई बाबा बनखंडी मंदिर पर संपन्न हुई। उधर बालाजी महाराज के रथ को श्रद्धालुओं ने हाथों से खींचा और बालाजी महाराज के जयकारों के साथ श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। वहीं बैंड बाजों ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा में गणपति महाराज, शिव परिवार, काली माता आदि देवी देवताओं की मनमोहक झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष हाजी अनवर हसन द्वारा शोभा यात्रा मार्ग पर नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा विशेष सफाई कराई गई, वहीं मार्ग पर चूना डलवाया। कोतवाली प्रभारी राजेंद्र कुमार नागर द्वारा शोभा यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए भारी पीएसी एवं पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात रखा गया। ये बालाजी का उत्सव मनाया जाता है जी, जन्म उत्सव मनाया जाता है बालाजी का, हर साल मनाया जाता है, 18वां उत्सव है। कार्यक्रम यही है, शोभा यात्रा थी जी। इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ उसमें जो है सुंदरकांड का पाठ था जी। दो दिन बाद जो है रात को जागरण है, बालाजी का गुणगान है। ये महाराज जो हमारे बालाजी महाराज हैं, इनकी जयंती का कार्यक्रम था, जो अभी 19 तारीख से कार्यक्रम दस्तूर बाद जारी चल रहा है, उसमें उसके उपलक्ष्य में आज शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जो नगर के मुख्य मार्ग से निकाली गई, जिसमें पूरे समाज का भरपूर सहयोग मिला, प्रशासन का, नगर पालिका प्रशासन का, सभी का भरपूर सहयोग मिला। जगह जगह पर स्वागत के लिए पंडाल लगाए गए थे, जिन पर लोगों ने भरपूर प्रसाद प्राप्त किया। अब रात को शोभा यात्रा का विसर्जन हुआ है। अभी 30 तारीख को बालाजी जयंती का जागरण और अभी बाकी है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध कलाकार उपस्थित हैं। बालाजी जयंती महोत्सव के पर्व पर शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से निकाली गई थी। 30 तारीख को बाबा बनखंडी महादेव मंदिर में विशाल जागरण का आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से निकाली गई थी। प्रशासन का, नगर पालिका के चेयरमैन हाजी अनवर हसन जी का काफ़ी सहयोग रहा और स्थानीय
नगरवासियों का भी बहुत सहयोग रहा, शोभा यात्रा सकुशल संपन्न हुई है। अभी अभी हम बरकंडी मंदिर में पहुँचे। उत्सव को लेके क्या क्या रुझान रहता है पब्लिक का यहाँ पर? हमेशा केराना में बालाजी महोत्सव जो है बड़े ही शुरू से काफ़ी समय से परंपरा चली आ रही है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ही कार्यक्रम किया जाता है। बहुत भारी संख्या में भीड़ रहती है, जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। जनपद सहारनपुर के सीबीएस गुरुकुल स्कूल में मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गगलहेड़ी मुजफ्फरनगर रोड पर सीबीएस गुरुकुल में वार्षिक परीक्षा फल घोषित किया गया, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य दीपक यादव ने किया। साक्षी यादव ने जिले में तीसरा स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। इस मौके पर शगुन यादव, शिवानी धीमान, आलिया, नेहा, ऋतिक परमार, सृष्टि, आकाश, आरजू, अनुराधा सहित कई लोग मौजूद रहे। फरीदाबाद के प्रथला में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है, जहां पीड़िता को आरोपी लगातार धमकी दे रहे हैं। हरियाणा सरकार पूरे हरियाणा को शौच मुक्त होने का दावा करती है, उसके बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक लोगों के घरों में शौचालय तक नहीं बन पाए हैं। इसका नतीजा है कि एक नाबालिग लड़की जब शौच के लिए गांव के ही समीप गई थी, तो उसी समय तीन युवक लड़की के मुंह और आंखों पर कपड़ा बांधकर अपहरण कर ले गए और उसकी असमत को तार तार कर दिया। पीड़िता ने पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन अभी तक गैंगरेप का कोई भी आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। हालांकि नाबालिग लड़की ने आरोपियों के नाम व गांव भी पुलिस को बताए हैं, उसके बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिससे परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों को आरोपी लगातार कार्रवाई न करने की धमकी भी दे रहे हैं। ये एक अपने फरीदाबाद में रिमोट एरिया का जगह में एक ऐसा हुआ है कि लड़की सुबह शौच के लिए गई थी, जिसके साथ तीन लड़कों ने उसके साथ गलत हरकत की है, जिसमें से एक लड़की ने गलत हरकत की, दो उसके साथ में थे, और इस संबंध में हमने महिला थाना में मुकदमा दर्ज करके और मेडिकल करा दिया है लड़की का, और उनके जज साहब के सामने बयान कराए हैं और CWC के सामने। फरीदाबाद के सोहना रोड व चांदपुर गांव में 6 एकड़ फसल जलकर नष्ट हो गई, जहां किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक गांव में खेतों में आग लगने से लगभग 6 एकड़ फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई। वहीं इस घटना स्थल के पड़ोसी गांव में भी आग ने करीब 8 एकड़ फसल को जलाकर राख कर दिया, तथा बल्लभगढ़ के सोहाना रोड पर कबाड़ दुकान में आग लगने से काफी नुकसान होने का समाचार है। तीनों ही हादसों में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बता दें कि रात के समय लगी यह आग बल्लभगढ़ के सोहाना रोड और दिन के समय लगी आग बल्लभगढ़ के ही चांदपुर गाँव में खेतों में लगी हुई दिखाई दे रही है। कबाड़ गोदाम में तो आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, लेकिन चांदपुर और बहादुरपुर गांव के खेतों में आग के सही कारणों का पता अभी नहीं चल सका है। सोना रोड स्थित कबाड़ के गोदाम में रात के समय आग लगी। चांदपुर गांव के नंबरदार पीड़ित रामकिशोर महेश्वरी की माने तो दोपहर को उनके गांव में अचानक आग लग गई। जब तक उन्हें आग लगने की सूचना मिलती और वो खेतों में पहुंच पाते, तो ग्रामीण आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पूरे हादसे में उनकी फसल नहीं बच सकी और पूरी फसल जलकर राख हो गई। जनपद सहारनपुर के गगलहेड़ी थाना क्षेत्र के खजूरी अकबरपुर में ट्रांसफार्मर से निकले चिंगारी के कारण किसान के कई बीघा गेहूं और गन्ने की फसल जलकर नष्ट हो गई। गगलहेड़ी थाना अंतर्गत खजूरी अकबरपुर में आज दोपहर ग्राम खजूरी काली मंदिर के पास किसान वीरेंद्र पुत्र धर्मपाल निवासी खजूरी के खेत पर लगे ट्रांसफार्मर पर हुए तारों में शॉर्ट सर्किट से किसान की 7 बीघा गेहूं व 2 बीघा गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। दोपहर करीब 1:30 बजे किसान सोनू, संजय, बिट्टू आदि को जैसे ही फसल में आग लगने का पता चला, वे खेत की ओर दौड़ पड़े, पर तब तक तेज हवा और गर्मी के कारण फसल तबाह हो चुकी थी। मौके पर पहुंची डालहंडेड व थाना गगलहेड़ी की पुलिस तथा किसानों के पास जलकर खाक होती फसल को देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। किसानों का लगभग 1,00,000 रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। घटना से किसान परिवार में मायूसी है तथा बिजली विभाग के प्रति रोष है।
जनपद मुजफ्फरनगर के गजबपुर काजी में अज्ञात कारणों के चलते किसान की गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। आपको बता दें कि किसान भंवर सिंह का खेत धमात गंग नहर पुल के पास, जहां किसान ने गेहूं की फसल लगा रखी थी, जिसमें आज लगभग 3 बजे अचानक आग लग गई। फसल में आग लगी देखकर आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने बड़ी मुश्किल से आग बुझाई, लेकिन तब तक लगभग आधा बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई थी। पीड़ित किसान का कहना है कि गाँव के एक सिरफिरे व्यक्ति ने फसल में जानबूझकर आग लगाई है, जो पीड़ित किसान से बेवजह दुश्मनी रखता है, जिसके खिलाफ पीड़ित किसान ने पुरकाजी पुलिस को एक प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ये किसी ने आग लगाई, सेठ था, वहाँ आग गए हुए थे ट्रैक्टर लेकर और उन्होंने आग लगाई। ये लोगों ने ये फोन करा, गाँव वालों ने आए बुझाई, अच्छा फिर आने देखा तो क्या बात है, करीब आध बीघा तक पुलिस नहीं आई, हम इसको कार्रवाई होनी चाहिए, हम जेल जाने चाहिए सारे। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।